हराई पड़ो बेमानी से। हमारे बाबू जी कैसे जीतलन दू साल जबकि कांग्रेस के गढ़ टाइम में मानल किसान की जानकारी होनी चाहिए कि मैं जितना प्रेशर हैंडल कर रहा हूँ आज के दिन विड्रॉ करने के लिए है ना, तो यही मेरे खुद के चरित्र की ये परीक्षा है। यही इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डर, ऐसे नैरेटिव किया जाता है स्टार्टअप है ना, कि अगर आप सीरियस हैं, आप लोगों की बात को हम सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, तो उसमें दुख नजर आता है और अगर हंस के कहेंगे तो उसमें हल्कापन नजर आएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। उस विजन को डेफिनेटली प्रशंसनीय होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण, और खुद अधिकारी रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि उसमें पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को, इतने बड़े विजन को अगर जमीन को उतारना है तो आपको एक मजबूत कैंडिडेट देना पड़ेगा। एक ऐसे कैंडिडेट को देके आप नहीं इस विजन को उतार सकते हैं जो अपने दम पे भी चुनाव न लड़े। तो इस मैं देखता हूँ कि हम लोग मोदी जी का जो विजन है उसको जमीन को उतारने के लिए सक्षम रहेंगे और उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे। जीतने के बाद बक्सर के इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे और अब जब भी हम एक संगठन के पार्ट है, हम अकेले नहीं है, तो हम संगठन इस बात का जरूर विचार करेंगे और एज ए टीम हम काम करेंगे, जो भी करेंगे बक्सर के लिए तो करेंगे। आनंद आज आनंदित नहीं लग रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, आज आनंद थोड़े से सीरियस है क्योंकि पहले जब इंडिविजुअली आप रहते हैं, अकेले रहते हैं तो प्रफुल्लित रहते हैं, आप अपने हिसाब से रहते हैं, जब लेकिन आप एक सबके साथ होते हैं तो बहुत सारे इसमें भाव रहते हैं, विचार रहते हैं, जिसको कहीं ना कहीं साथ मिला के चलना पड़ता है। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो कैरेक्टर होने चल है वो ब्रिजेस बनाने का है, बैठे खोदने का नहीं है। तो मैं सबको साथ लेना, तो मुझे अच्छा लग रहा है इस बात को कि जैसे हमारे महर्षि विश्वामित्र के विचार मंच के हम सारे बड़े अगर साथ जुड़े हैं, इस तरह से और भी जो समाज के पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब साथ जुड़ के सब मिल के जो बक्सर के विकास की तरफ, हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम विकास ही होता है, पॉलिटिक्स एक मात्र हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। सवाल इधर आए कि आनंद क्या सामने वाले प्रत्याशियों को देख करके पहले से ही हार मान चुके हैं, आखिर उनके चेहरे पर डिप्रेशन की वजह क्या है? अगर आप सीरियस हैं, आप लोगों की बात को हम सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, तो उसमें दुख नजर आता है और अगर हंस के कहेंगे तो उसमें हल्कापन नजर आएगा। तो बैलेंस करना ही जो जीवन है, तो बट आपकी बात को धन्यवाद, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि बाकी जो प्रत्याशी हमने पहले भी बताया कि हम कॉम्पिटिशन नहीं बिलीव करते हैं, हमारे जो 19 लाख कुछ हमारे जो वोटर्स हैं, हम सारे 19 लाख कुछ वोटर्स की वोट की कामना करते हैं, हम इसमें किसी का कॉम्पिटिशन ही नहीं करते, तो इसीलिए हमारे किसी से डरने न डरने की, लेकिन आपको जान के जानकारी होनी चाहिए कि मैं जितना प्रेशर हैंडल कर रहा हूँ आज के दिन में विड्रॉ करने के लिए है ना, तो यही मेरे खुद के चरित्र की परीक्षा है। किस तरह का प्रेशर? हर तरह का प्रेशर, आप सोच भी नहीं सकते, मैं बोल भी नहीं सकता। तो सुधाकर जी से अभी तक मुलाकात प्रेशर की बात आप किस तरह का प्रेशर? हर तरह का प्रेशर, आपको हटा दो, कॉम्पिटिशन करने को भी लोग तैयार नहीं हो रहे, तो इसी तरह का प्रेशर है जिसमें पूरी तरह से मुझे प्रलोभन दिया गया, मुझे हल्के में धमकाया भी गया, हर तरह की चीज की गई, लेकिन बक्सर का जो चरित्र है मैं उस चरित्र में लेकर खड़ा हूँ, बक्सर का चरित्र मैं कमजोर नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। हमने कहा है 7 तारीख को नामांकन है, आप सब भी आइए सुबह 10 बजे के लिए। खुलासा करेंगे हम इस चीज का, खुलासा करेंगे किस चीज का? इसने धमकी दी ये खुलासा की बात नहीं है, बहुत ही सटल तरीके से कुछ मैच्योर लोग बात करते हैं ना, थोड़ा सटल तरीके से बात करते हैं, वो जिला के धमकी नहीं देते, उस तरह की बातें हैं, कुछ कुछ है प्रेशर रहेगा, ये नॉर्मल है। देखिए पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स सारा प्रेशर का चीज है, हम इसलिए आपसे शेयर किया कि आप ये मत सोचिएगा कि बहुत आराम आराम से हम चल रहे हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं, तो प्रेशर नहीं है। मैं ये प्रेशर अपने ही कार्यकर्ताओं को जाने नहीं देता। आनंद तो 4 तारीख के बाद आनंद होने का नजर आएगा, हम उसकी तैयारी। सर एक बात और कही जा रही है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री आपसे बात करने बहुत जल्द आएंगे, आप किस तरीके से टैकल करेंगे, छोड़िए ना, छोटे से आप लोग अपने जनता के साथ लगे रहते हैं ना, क्यों आ रहे हैं किसी को हमसे बात करने, हमें इतना बड़ा मन बनाएंगे, सडनली आप लोग हम लोग नेशनल फेल बना देंगे,
नहीं कर रहा है, वो एक छोटे से अपने अवसर के लिए लड़ा है, तो अपनी जगह पे है। स्वतंत्र रूप से हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी है, निर्दलीय नहीं है, हम लोग सर्वदलीय स्वतंत्र प्रत्याशी है, जिसको हम लोग अक्सर के सभी को साथ में लेकर चलेंगे। और किसी भी सूबे का अगर कोई आता भी है तो उनको सोच के आना चाहिए, क्या वो अपने घर को खराब करेंगे, क्या वो अपने घर का विकास नहीं चाहते। अगर सब अपने अपने घर का विकास चाहते हैं तो हमारे घर के पीछे क्यों पड़े हो, हमारे घर का भी विकास होने। सर अब सवाल का मोटू नहीं समझ पाए, जहाँ का कर्म क्षेत्र था वहाँ के मुख्यमंत्री आपसे बात करने आएंगे ऐसा कहा जाता है? नहीं, मुझे अगर आपको उन्होंने फोन किया हो तो आपकी दूसरी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक। ऐसे हालात से कैसे निपटेंगे अगर परिस्थिति? देखिए परिस्थिति तो आती जाती रहती है, आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए। ध्येय क्या है आज के दिन में, जैसे भैया लोगों ने बताया कि हम अपने बक्सर के हित के लिए हम यहाँ के अपने जो लोकल एक उम्मीदवार को लेके हम यहाँ पे अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब इसका अगर कोई आता है तो अपनी बात को इसी प्यार से समझाना चाहते हैं कि भैया हम अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बक्सर खातिर लड़ा था, और अगर ये जीत हुई तो बक्सर के जीत हुई, और हम ये नहीं चाह कि बक्सर बनारस बने या काशी बने, बक्सर को बक्सर बनना चाहिए। और हम रवा चौक से ये निवेदन करब, रवा चौक के माध्यम से हम ये चाहते जनता के कहे खातिर, खाली यहाँ के जनता ना, हम पूरा शाहबाद के जनता के कहे के चाहते रही कि रवा साहब ध्यान दी और अपन जैसा आदमी चुनी कि जो कि अपन अपन क्षेत्र खातिर कुछ ना कुछ करी, बाहर के लोग आवेला लेके चल जाला, और हमनी के चाहिए वो लोग जो कि यहीं पर रहे, यहीं पर मरे, यहीं पर सब कुछ करे। और को बहुत लोग कहते हैं कि आनंद मिश्रा जी कैसे जाने जीतिए तो निर्दलीय बात, तो हमारे बाबूजी कैसे जीत लें 2 साल जबकि कांग्रेस के गढ़ टाइम में माना जा रहा था, वो कैसे जीत लें। और 79 में जब वो हरला है, वो हरले ना रहा है, हराई बैठ रहा है बेमानी से। तो रवा सबके हम फिर ये कहब कि रवा समझे कि राउर लड़ाई है, ये न महाराजा के लड़ाई है न आनंद मिश्रा जी के लड़ाई है, ये राउर लड़ाई। तो यह करके हम अनुरोध करब कि खास करके पहली तारीख के जब वोटिंग पड़ी, ये समझे कि रवा वो एक दान दे, एक बर्थडे गिफ्ट देते नहीं आनंद मिश्रा जी सभी। यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र विचार मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और एक तरह से यह आश्वासन है कि एक अच्छे जो होता है हम बक्सर के लिए, जब हमें कुछ करना है बक्सर के लिए आगे बढ़ना है, जो महर्षि विश्वामित्र विचार मंच का भी एकमात्र यही बात था कि अब जो करें बक्सर के हित में, तो यही बात मैं भी लेके आया। और हम जैसे जितने एक जैसे सोचने वाले हम लोग हैं, और साथ में मुझे लगता है कि समाज के विभिन्न लोगों से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से मेरी जो बात हो रही है जहाँ जहाँ, तो इस बात को आपके साथ साझा करते मुझे तनिक भी संकोच नहीं कि आज हम जिस स्थिति पे हैं, एक जहाँ से सुषुप्त अवस्था में भी बक्सर जो अपना विचार मांग रहा है, तो इसको एक प्रखर रूप देने के लिए आज एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक हम सांगठनिक तौर पे जुड़े हैं, और ये आप आपके थ्रू पूरे हम बक्सर के वासियों को, अपने लोगों को ये आश्वासन और ये विश्वास देना चाहते हैं कि आपके लिए, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और बहुत मजबूती से एकत्रित हुए हैं। समाज के हर एक अंग, समाज के हर एक लोग हमारे साथ हैं, और इस बात से विश्वस्त रहें आप। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव सुनने को मिलेंगे कुछ कुछ आपको, कि तो ये इस बात में अपना सोचें, बहुत लोग हैं जो कंपटीशन में भी नहीं है बट नैरेटिव्स बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस बात में ना जाए। मेरी ओर से मैं 2 पॉइंट्स था जो अब ये मिला है मौका तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ किसी और का एजेंट बन के, तो उस सोच को सलाम है जो सोचता है कि IPS की नौकरी छोड़ के कोई एजेंसी का काम करने आएगा, तो सच में इस सोच को सलाम है। और आपके थ्रू मैं चाहूँगा कि लोग ये समझे कि आप कैसे कैसे लोग नेतृत्व के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जो इस तरह की सोच लेके आते हैं, अगले 5 साल आप किसके हाथ में देने आप सोच लीजिएगा। तो ये बात बस मैं रखना चाहता हूँ, बाकी
हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा एक बात, हम काफ़ी बार बैठे विचार के, महाराज खुद है यहाँ पे और हम सिर्फ एक मुद्दे को लेके आए हैं, विकास का मुद्दा, सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पे विचार है, जो है कि हमारा बक्सर है, वो जब हमारा विकसित भारत का सपना है उसमें हमारा बक्सर कहीं पिछड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से एक्सपोनेंशियल रेट में देश भाग रहा है, 10 से 100, 100 से 1000 हो रहा है और हम हो रहे 1, 2, 3, 4 चल रहे हैं, तो हमें अपना ये रेट ऑफ जो हमारा ग्रोथ है उसको बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज का कि महाराज की छत्र छाया में, आपके गार्जियनशिप में हम सब यहाँ जुड़े, और भगत भैया का, राणा भैया का और सारे हमारे जितने मनोज भैया, सभी जो पदाधिकारी है हमारे महर्षि विश्वामित्र विचार मंच के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि अब मैं निर्दलीय से सर्वदलीय बन गया हूँ आज यहाँ पे, और एक स्वतंत्र रूप से हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। और आह्वान है हमारे सारे बक्सर की जनता के साथ कि जो